फोर्स और टाइम का अगर मान लो आपको ग्राफ गिवन हो, ऐसे कोई भी ग्राफ गिवन हो, और मैं आपसे ये कहूं कि इसके नीचे का, इसका अंडर का एरिया निकालो, बोलो क्या आएगा? उसे क्या बोलते हैं? इंपल्स। तो लिखो, रिजल्ट है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ विल गिव इंपल्स। इंपल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम, एक ही बात है। तो ये लिख लेना, पूरे का पूरा रिजल्ट है ये। तो ये दोनों चीज़ें देगा, चेंज ऑफ मोमेंटम भी देगा और इंपल्स भी देगा, मीन्स फोर्स इनटू टाइम भी देगा। मैंने मेंस के अंदर एक ग्राफ चेक किया था, अभी कल परसों देख रहा था मैं PYQ के अंदर, उसमें एफ और टी का ग्राफ आया हुआ है, तो पता लग रहा था मुझे दूर से कहीं एफ और टी का ग्राफ का इंपल्स या चेंज ऑफ मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा समझो, एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपको एक ग्राफ दे रहा है, वो ये टाइम है 10 सेकंड, ये फोर्स है, और फोर्स की वैल्यू, ये फोर्स की वैल्यू है 10 सेकंड तक, और फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, कांस्टेंट फोर्स है। क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की जीरो है, 2 kg का मास है, आपको इसमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होगी, ये क्वेश्चन है इस ग्राफ को देखते हुए। टेन, फिफ्टी। देखो आप इसका एरिया निकालो, एरिया आपको क्या देगा? इंपल्स। ठीक है, बोलो इंपल्स कितना आ रहा है? 100, 10 इंटू 10 एरिया 100, 100 क्या है? P2 माइनस P1। अब इनिशियल मोमेंटम बॉडी का जीरो है, क्योंकि बॉडी किस पे पड़ी हुई है? एट रेस्ट। फाइनल मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। तो 100 इज इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 50। आंसर ठीक।